कौन कौन से पौधे शुभ माने जाते हैं और उसे घर में जरूर लगाना चाहिए। इंसान के जीवन में भोजन और पानी के अलावा पेड़ पौधों का भी उतना ही महत्व है, या यूं कह लीजिए कि एक बार को बिना पानी और भोजन के मनुष्य कुछ घंटे आराम से बिता सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के एक पल भी बिताना भारी लगता है। पेड़ पौधे हमारी जरूरत पूरा करने का काम तो करते ही हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी में पेड़ पौधों का खास महत्व है। अगर घर में वास्तु के अनुरूप पेड़ लगाए जाएं, तो स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करती है। कुछ खास किस्म के पेड़ पौधे घर में बेहद ही शुभ माने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पौधों से वाकिफ कराने वाले हैं जिनका घर में होना सुख और शांति का प्रतीक है। अगर आप भी इन पौधों को घर में लगाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहेगी, संतुलन बना रहेगा और घर की सुंदरता भी निखर कर बाहर आएगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक करें। हालांकि घर के आसपास ज्यादा पेड़ पौधों का होना अशुभ माना जाता है, लेकिन कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें शास्त्रों में दोष निवारक की संज्ञा दी गई है। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बनाते हैं और इन्हें लगाना काफी लाभदायक माना जाता है। ऐसे पौधों में सबसे पहले जिक्र आता है तुलसी के पौधे का। भारतीय लोगों के घरों में तुलसी का पौधा बहुत प्रचलित रहा है। इस पौधे के कई सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन सबसे अहम बिंदु है कि हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा अर्चना होती है, वहाँ भगवान श्री विष्णु की कृपा हमेशा ही रहती है। ये पौधा घर से हर तरह की नकारात्मकता को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा तथ्यात्मक रूप से देखें तो तुलसी आसपास के वातावरण को कीटाणु रहित बनाती है। ये अकेले 10 पौधों के बराबर ऑक्सीजन छोड़ती है। तुलसी एक औषधि और महागुणकारी पौधा है, जिसकी पत्तियों को खांसी जुकाम ठीक करने के लिए भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, इसे भूलकर भी दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। केला, खास तौर पर केले के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखा जाए तो केले के पेड़ों को शास्त्रों में एक अहम दर्जा दिया गया है। सभी शुभ कार्यों और शादी ब्याह में विशेष रूप से केले के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कहते हैं कि केले के पत्तों से घर में धन संपन्नता आती है, और यही वजह भी है कि इसे घर के प्रवेश द्वार पर भी लगाया जाता है। इसके अलावा गुरुवार को केले के पेड़ की खास तौर पर पूजा की जाती है, और अक्सर पूजा पाठ में भी इसे विशेष महत्व दिया जाता है। मंदिरों में भी इस पेड़ को लगाया जाता है। बांस का पौधा, घर को समृद्ध बनाने के लिए बांस के पौधों को लगाने का नुस्खा काफी पुराना रहा है। फेंग शुई में बांस के पौधे को पहले से ही बहुत महत्व दिया जाता रहा है। कहते हैं इसे लगाने से मनचाही सफलता हासिल होती है। वास्तु के अनुसार बांस कारोबार में वृद्धि और सुख समृद्धि देने का काम करता है। इसकी खासियत है कि ये हर वातावरण में तेजी से बढ़ता है। गुड़हल, घर में फूलदार पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन अगर वह फूल का पौधा गुड़हल का हो तो इसके फायदे अनेक हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो गुड़हल का पौधा सूर्य और मंगल से जुड़ा हुआ है। इस पौधे को आप घर में कहीं भी लगाएंगे तो यश की प्राप्ति ही होगी। रोज इस फूल को जल में डालकर सूर्य को अर्घ देने से आँख और हड्डियों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। शमी का पौधा, बाजार में आसानी से मिल जाने वाला शमी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाने का काम करता है। मार्केट में इस पौधे की कीमत काफी कम है, लेकिन इसके गुण कई ज्यादा हैं। वैसे तो लोग आम तौर पर इस पौधे को लगाने से डरते बचते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसका संबंध शनि से माना जाता है, लेकिन इसका फायदा है कि ये आपको शनि की कृपा दिलाता है। इसकी पूजा उपासना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। मनी प्लांट, धन और यश की बात हो तो मनी प्लांट का जिक्र आता ही है। ये पौधा घर के साजो सिंगार और खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है, साथ ही तरक्की भी देता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मनी प्लांट हमेशा बढ़ता है, और इसे जमाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। बाजार में मनी प्लांट की 4 से 5 किस्में उपलब्ध हैं, और ये सभी ज्यादा रख रखाव के बिना भी घर को पॉजिटिव करने का काम करते हैं। तो ये तो रहे वो पौधे जिन्हें वास्तु शास्त्र में काफी महत्व दिया गया है,
और इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें शास्त्रों में नकारात्मकता के मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इन पौधों को घरों में लगाने से बचना काफी जरूरी है। खास तौर पर कांटेदार और दूध वाले पौधे काफी नुकसानदेह होते हैं। कांटे वाले पौधे घर में नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं, जिससे घर की सुख शांति भंग होती है। आजकल बोनसाई पौधे भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इन पौधों को अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि बोनसाई पौधा घर में रहने वाले सदस्यों का आर्थिक विकास रोकते हैं। ऐसे में इसे घर के किसी भी कोने में लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा घरों में नकली पेड़ पौधे लगाने से भी बचना चाहिए। भले ही आर्टिफिशियल पौधे घर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन इन्हें शास्त्रों में काफी अशुभ माना जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे पौधे जो घर के माहौल और सुख समृद्धि को बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप भी घर को साजो सिंगार के साथ सकारात्मक बनाने में विश्वास रखते हैं, तो इन पौधों को घर के आंगन में जगह दे सकते हैं। धन्यवाद।